हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट ओमी और आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। बट ये क्या हो रहा है यार, ये तो मेरी पिक्चर खराब हो रही है। ओ शिट, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, मैं चैनल सही करके आ रहा हूं। बाय बाय। पैसा ही पैसा होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इंट्रो अच्छा लगा हो। आई ट्राई टू डिड सम चेंजेस एंड लेट मी नो, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को इंट्रो कैसा लगा एंड शुड आई कीप ट्राइंग थिंग्स लाइक दैट। तो अब हम लोग अपनी न्यूज़ को देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द न्यूज़। सो द मिस्ट्री ऑफ 1.5 मिलियन ईथरियम नेम परचेस। ये एक डोमेन का एड्रेस था जो एक बहुत बड़ी कंपनी है पैराडाइम के नाम से। मोस्ट पीपल थॉट दैट दे वुड हैव परचेज दैट, बट ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी। नो बडी रियली नोज के ये किसने परचेज किया है। सो वॉट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट के दिस वॉज द प्रॉब्ली 420 ईथरियम वर्थ डोमेन। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन्स राइट नाउ। और मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अपने नाम का, अपनी कंपनी का या किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर के नाम का डोमेन खरीदना है तो डू इट फास्ट, बिकॉज अभी ये चीप हैं। यू कैन स्टिल गेट दैम एंड देर यूजली लाइक www.xyz.btc.ethereum और .crypto। हाउ एवर यू वाना बाय, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। सो बाइनेंस टू लॉन्च 1 बिलियन फंड टू डिवेलप BSC ecosystem। हम देख रहे हैं पिछले एक दो दिन से कि फर्स्ट वी हर्ड अबाउट FTX, देन नाउ वी आर हियरिंग अबाउट Binance। सो मोस्ट मेनली अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटवीन एक्सचेंजेस। एवरी एक्सचेंज इज ट्राइंग टू टेक आउट द मोस्ट अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो Binance अब क्या करने वाला है कि Binance wants to enter into metaverse gaming industry and also boom its reputation that was lately hit by all these lawsuit cases and different other news that we heard about Binance. एक और बड़ी खबर है, बिटकॉइन ETFs will likely be delayed until 2022 says research firm CFRA। apparently जो अभी हमारे पास डेट्स थी दैट वॉज अबाउट October 16th। सो October 16th में तो फ्यू डेज रह गए हैं। वी स्टिल नॉट श्योर वाइदर वी आर गन बी हैविंग एन ETF अप्रूवल दिस ईयर और नॉट। अगर तो ETF अप्रूवल मिल जाती है, वी ऑल नो कि मार्केट विल गो एक्सट्रीमली बुलिश एंड BTC कैन इवन हिट अ नंबर लाइक $1 million एंड nobody will be surprised. Because we've been waiting for this ETF for a very long time now. It's already about more than 5 years we're waiting for an ETF. अब ये एक बहुत अच्छी खबर है, ये है कि रशिया डजन प्लान टू फॉलो चाइनाज फुटस्टेप्स। और उसका कोई इरादा नहीं है कि रातों रात वो बस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दे। एंड रशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। आई डोंट रियली थिंक कि वो कभी भी कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली वॉट इज गन डू इज इज गन कंट्रोल एंड रेगुलेट इट, जस्ट लाइक वट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू एंड सम अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू दैट टू, विच वी हैव सीन इन न्यूज़ कि इंडिया इज ऑल्सो कमिंग अप विद डिफरेंट प्लान्स टू रेगुलेट एंड मेक इट अ डिजिटल एसेट इन दर कंट्री। बिटकॉइन प्राइस इज करेक्टिंग एंड वॉट डज द फ्यूचर डाटा शो। तो अगर हम फ्यूचर डाटा को अभी देखें तो उसके अंदर बड़ा मिक्स रिएक्शन है। If you see the TVLs of different companies, it's at different levels right now. अगर तो हम लोग overall देखें तो market के अंदर ये situation है over the last 7 days. So this is our bullish future premiums. So different market के different premiums अभी चल रहे हैं। Total TVL अगर देखें तो वो इतना ज़्यादा अभी high नहीं है, which was where we were last year इस time पर। तो it was very high, but we're not that high yet. But that already shows us कि बहुत सारे leverages खुले हुए थे and a lot of people would have hit the stop loss in the last few hours जब हम लोग ने अभी lately एक बड़ी wick देखी। So what happens is we need to have people liquidated so the exchanges also make money. So अभी क्या situation है, अगर हम लोग bitcoin के data को overall देखें तो price is correcting, price consolidate कर रही है एक zones में। बट द फ्यूचर डाटा को देखें तो मार्केट में अभी इतना ज़्यादा पैसा स्लोली आना शुरू हो रहा है। इट्स नॉट लाइक ये बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी आया हुआ था। सो Coinbase follows FTX and Binance NFT marketplace. अब Coinbase एक और प्लेयर है मार्केट के अंदर who wants to come into the market and expand, तो उसके अंदर वो NFT की marketplace अपनी लॉन्च करने वाला है। जस्ट yesterday we saw कि FTX भी कर रहा है एंड it partnered with Solana and Ethereum. This is something similar, but they're gonna be having an add-on feature. They even gonna sell NFTs in USD.
So you will have USD, Ethereum, and probably some other coins too. Let's see what else is happening. तो क्रिप्टो लेंडिंग फर्म में अगर हम देखें, सेल्सियस नेटवर्क रेजेस 400 मिलियन। लेटली हम लोग इतने सारी ओकेजन्स के ऊपर एक ही चीज़ रेगुलरली देख रहे हैं, दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम VCs एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर अ लॉट ऑफ मनी लेटली हैज़ बीन पम्पिंग इन टू दीज मार्केट्स, दैट ऑलरेडी सिग्निफाइज कि ये मार्केट इतनी ईजिली नहीं टूट सकती, ख़राब नहीं हो सकती। एंड अ लॉट पीपल फियर कि यार रातों रात बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर, बिकॉज इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है। One great news we have from Venezuela. Venezuelan international airport to accept Bitcoin. Venezuela is another country जिसने बहुत स्पीड से अपनी अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन की है, एंड इट इज नाउ ऑल्सो ऑफरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिटकॉइन एट देयर एयरपोर्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप, और अगर हम लोग BTC के डोमेंस को देखें, सेट 45.7। इथेरियम के डोमेंस को देखें तो वो ऊपर आना शुरू हो गई, इट्स एट 18, वन ऑफ आवर गुड जोन्स। ओवरऑल अगर मार्केट कैप को देखें तो इट इज़ डाउन अबाउट 2.26 ट्रिलियन, ए 2.45 डिक्रीज ओवर द लास्ट डे, बिकॉज़ वी आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक फ्रॉम बिटकॉइन राइट नाउ। अगर हम लोग BTC के डोमेंस को देखें तो उसके अंदर भी डिक्रीज आया ओवर 1.10%। सो बिग बिग डिफरेंसेस हियर, बिग मूव्स, और डोमिनेंस में हम देख रहे हैं बहुत स्पीड से डोमिनेंस इज कमिंग डाउन। लेट्स क्विकली सी कि आज मार्केट के क्या हालात हैं। सो ग्रीन, रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन, लुक्स लाइक अ मिक्स बैग, बट ओवरऑल दिस मोर रेड देन दिस ग्रीन। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप सुबह उठ के इस प्रैक्टिस को करें, दिस विल हेल्प यू नो कि ओवरऑल मार्केट के क्या हालात हैं। यू नो लाइक वेन समबडी गोज अराउंड एंड सीज के भाई अपने एरिया में क्या हालात हैं, एंड यू गो आउट चेक आउट के भाई एरिया में क्या चल रहा है, दिस इज द सेम वे हम चेकआउट करते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। मिक्स बैग है, दे इज सम रेड and there's some green, mainly I'm seeing more red because there's a strong pullback, 24% पे देखते हैं कि किसने क्या किया। Stacks is up, STX is up about 14%, Harmony One is about 10%, Pancake Swap another 10%, Binance Coin about 9%, OMG 8%, so these are mainly up because they are Binance Smart Chain products। और ये सारे इसलिए भी अप हैं बिकॉज वी जस्ट हर्ड द न्यूज़ दैट बाइनेंस हैज इन्वेस्टेड अ बिलियन डॉलर्स टू क्लीन द नेम। लेट्स सी हुज़ डाउन, शिबा इनू इज़ डाउन फाइनली, फाइल कॉइन इज डाउन, फैंटम इज डाउन, बट ऑब्वियसली फैंटम वॉज 44% अप इन द लास्ट 7 डेज, सो इट्स ओनली 7% डाउन टूडे, वी एक्सपेक्ट सम पुल्स बैक्स लाइक दिस। आर वी इज क्वाइट डाउन, बिटकॉइन गोल्ड, एम डी एक्स, वेव्स, ओवरऑल वी लुक एट द मार्केट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। अनफॉर्चुनेटली आज फ्यू एंड ग्रीड इंडेक्स वालों की वेबसाइट नहीं चल रही है, आई जस्ट रियलाइज वेबसाइट इज डाउन, सो वी कैन डू वट दे हैव लेफ्ट फॉर अस ऑन ट्विटर। सो टुडे वर एट 70, नाउ वी हैड अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, सो वी आर सीइंग अ पुल बैक इवन आवर इन ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, सो दिस इज गन बी अ हेल्दी पुल बैक। इसके अंदर ज़्यादा हम लोग ना फियर देख रहे हैं, ना हम लोग ग्रीन से एकदम येलो में या लाल में चले गए, सो दैट ऑलरेडी शोज के वर गन स्टे इन दिस जोन्स फॉर अ वाइल, इट्स नॉट कि हम बिल्कुल क्रैश करके नीचे आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन आवर चार्ट्स। तो चार्ट में हम लोग शुरू करते हैं इथेरियम की डोमिनेंस से 1 आवर में, और इथेरियम की अगर डोमिनेंस को देखें तो काफ़ी लो आ गई थी व्हेन BTC's डोमिनेंस वाज इंक्रीजिंग पास लास्ट वीक से। अब हम देख रहे हैं ये थोड़ा नीचे आया, वेंट केम डाउन एंड नाउ इट्स इन दीज जोन्स, तो 17 के ही जोन्स के अंदर ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी वेयर इज BTC's डोमिनेंस, क्योंकि BTC की डोमिनेंस केम डाउन वेरी क्विकली यस्टरडे, नाउ इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन, यहाँ पे इसने इसको रेजिस्टेंस थी, इसको तोड़ा, ऊपर गया, हाई बनाया, एंड नाउ इज टेकिंग सपोर्ट हियर। मोस्ट प्रॉब्ली वी रियली नीड दिस टू ब्रेक डाउन, और ये ब्रेक डाउन होगा तो देन ओनली वील हैव अ सिचुएशन वेयर द ऑल्ट्स कैन पम्प एंड वी विल सी के मार्केट के अंदर किस किस्म का हरकत करता है BTC। अगर अभी हम देखें तो BTC की जैसे जैसे डोमिनेंस नीचे आ रही है वैसे वैसे उसकी मार्केट में पुल बैक भी आ रहा है। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज टेल यू गाइज की कोशिश किया करें जब भी आप ट्रेड लें, ऑलवेज डू इट विद BTC's डोमिनेंस, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी टू एग्जैक्टली नो वन यू हैव टू कम आउट। इफ इफ यू वर हियर एंड यू केम आउट हियर ऑन द टॉप, तो BTC भी उस वक्त काफ़ी टॉप पे था अपने, वुड बी इन द बेस्ट सिचुएशन। सो लेट्स सी के BTC में क्या चल रहा है।
तो अभी मैं एक बात कर रहा था, हम लोगों ने देखा था कि एक्सचेंजेस का लिक्विडिटी फ्यूचर डाटा, तो ये देखें ये जो विक्स होती है ना, ये बनाई जाती हैं जिनके लॉन्ग्स खुले हुए थे यहाँ से, ठीक है ना। तो उन लोगों ने या तो यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पर इन्जॉय किया ये सारा पीरियड, और फिर यहाँ पे जो है ना उन लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे सबसे ज़्यादा, तो इन लोगों ने यहाँ एक विक मारी और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट कराए। तो अगर हम इसको देखें तो दिस वॉज अबाउट 53,810, ठीक है ना, 53,810 तक इनने विक मारी और हाई था 57,849 ऑलमोस्ट। तो मैसिव डिफरेंस, यू नो, आपको ऑलमोस्ट 4,000, तकरीबन 4, 4,500 डॉलर के नीचे आके आपको वीक मारी है। इथेरियम को भी देखते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा अब जो है अप ट्रेंड वो ब्रेक भी हो गया। अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन को देखें तो उसके बाद जब ये डिप आई तो फिर अब वो ब्रेक हो गया, अब हम लोग यहाँ पे साइडवेज चल रहे हैं और थोड़ा कंसोलिडेशन फेजेस में हैं। मे बी वी माइट एक्सपीरियंस अ पुल बैक फर्दर, बट लेट्स सी। सो इथेरियम को देखते हैं, इथेरियम इज इन सेम जोन्स, जस्ट कंसोलिडेटिंग इन दीज जोन्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज नाउ। ए आर इज डाउन, ए एक्स एस इज डाउन, सोलाना इज डाउन। केक को देखते हैं, सिंस वी कैन सी केक इज पम्पिंग। सो दिस वॉज वन ऑफ दोज सपोर्ट जोन्स जहाँ पर, क्योंकि मार्केट पम्प में आ गई थी, तो आई वुड प्रेफर कि आपने यहाँ से थोड़ी बाइंग कर लियो। केक कैन ईजिली गो टू 23, 26, दीज आर द केक्स जोन्स। यूनी में भी थोड़ी सी जान आ रही है, इफ़ वी कैन सी। ओ एम जी ऑब्वियसली इज़ बीन डूइंग प्रिटी वेल फॉर सम टाइम, तो आज हम ओ एम जी को भी देखते हैं। तो अगर हम ओ एम जी को देखें तो ये यहाँ से हमारे सपोर्ट जोन से ब्रेकआउट होके इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया है, और अब हमारे रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले रहा है इस वाली येलो लाइन से, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम हियर अगेन। इट्स अ वेरी गुड पोजिशन। अगर तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है, डू टेक सम एंट्रीज इन स्पॉट ताकि आप भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। डू मॉनिटर ओ एम जी, ओ एम जी इज लुकिंग वेरी गुड। ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और जितने भी कॉइन्स देखेंगे तो वो ज़्यादातर सपोर्ट जोन्स के करीब होंगे या उधर होंगे। लिंक इज इन सपोर्ट जोन, डॉट काफ़ी ऊपर है, सो डॉट बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन ऑफ 37 to 32। बेसिकली अब डॉट 30s में ही कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। के एस एम, एफ टी टी, सॉरी एफ टी टी भी अभी सपोर्ट जोन में है। ई जी एल डी को भी देखते हैं, तो ई जी एल डी भी ऊपर का एक हाई बना के अब नीचे आ रहा है। प्रॉब्ली इफ इट कम्स इन सपोर्ट डू गेट सम ई जी एल डी। सोलाना को भी देखते हैं, सोलाना काफ़ी साइडवेज हुआ हुआ है यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद, यहाँ से भी रिजेक्ट होके अब यहाँ आ गया। यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट किया है, बट एज वी सी कि वो रिजेक्ट हो गया रीटेस्ट भी। इसको भी आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डी सी ए करें, एवरेज आउट करें। ए आर भी काफ़ी इन्हीं जोन्स में अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में है। बी टी सी को एक असेसमेंट करते हैं, देन वी कैन फिनिश टुडेज वीडियो। तो बी टी सी को हम लोग देखते हैं आज वन डे में, और वन डे में हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है बी टी सी के साथ। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक हम लोग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थे, उसके बाद हमारे पास 2 दिन की रेड कैंडल्स ऑलरेडी आ गई हैं। तो अगर देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लिया और अब फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हम इस जोन्स तक आएँ और फिर यहाँ से हम लोग बाउंस करके वापस ऊपर चले जाएँ। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि हम लोग इन्हीं जोन्स में कंसोलिडेट कर लें, इसी एरिया में हम लोग कंसोलिडेट करना शुरू कर जाएँ और थोड़ी देर साइडवेज हो जाए और बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ जाए, जैसे वो अभी भी आ रही है। एज वी कैन सी कि वो आ रही है, क्योंकि देखें जैसे बीटीसी चल रहा है ना, सिमिलर पैटर्न पे अभी डोमिनेंस भी चल रही है। आप देख रहे हैं सेम कैंडल स्टाइल, नॉट मच डिफरेंस। सो बीटीसी को देखते रहें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन, और प्लीज़ कमेंट करें, अपने शॉर्ट थाट्स शेयर करें।
वेरी सून आई वॉन्ट टू डू अ फ्री NFT एयर ड्रॉप, उसमें पार्टिसिपेट करें। यूट्यूब के चैनल के अंदर मेरी ईमेल की एक आईडी है, उस ईमेल के ऊपर अपने ईथियम के मेटामास वॉलेट का एड्रेस शेयर करें, एंड विद इन आफ्टर यू सेंड द एड्रेस विद इन अ फ्यू मिनट्स आई विल प्रॉब्ली सेंड यू द NFT। वो NFT अभी हमारे ही कुछ सर्कल के फ्रेंड्स ने लगाई है, दे हैव ऑलरेडी ट्राइंग टू सेल इट फॉर ऑलमोस्ट 1 ईथियम विच इज़ अबाउट $3,500-$400। सो आई एम ऑलमोस्ट गिविंग यू अ वेरी गुड फ्री गिव अवे वर्थ thousands of dollars. So do participate in it. Send your MetaMask wallet addresses in the email address I'm gonna give bro in the description. Or subscribe karein channel ko, support karein, and I hope you guys have a great day. Aur apna khayal rakhein. So that's all from me today, guys. Bye bye.